मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज कल्लड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर एक रेड यहाँ पर पड़ी है, और उस रेड का कारण जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो कंपनी जिसने रेड यहाँ पर करवाई है उसका दावा है कि ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, ये पैकेजिंग का इस्तेमाल वे उनकी कंपनी से जो उनका ब्रांड रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड है, उससे मिलती जुलती हूबहू कॉपी है। तो दोनों ही पक्षों से बात करेंगे, जो संवाद करेंगे किस तरह का पूरा मसला थे, तो खबर पूरी देखेगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और आपकी कंपनी ने उदयपुर की इस कंपनी पर दावा करा कि इन्होंने आपकी पैकेजिंग, इनके और आपकी पैकेजिंग हूबहू मिलती जुलती, ठीक है, क्या वजह है कि आपने इनके ऊपर दावा करा? एक्चुअली मेरा नाम एडवोकेट विजय सोनी है और पॉलीमर प्रोसेसर का लीगल एडवाइज़र हूँ मैं। ये केस हमने दिल्ली कोर्ट में दायर किया था। अब इसका जो मैटर है, सबसे मेन रीज़न है हमारी पैकेजिंग कलर पैकेजिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट स्टाइल, जो सेम प्रेजेंटेशन के साथ पॉलीमर प्रोसेसर और सुपर पॉलीमर्स मिलता जुलता प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें इन्होंने उस प्रेजेंटेशन को कस्टमर को भ्रमित करने के लिए सेम प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी का जो लोगो है उसको चुरा कर ये कॉपी किया इन्होंने। अच्छा, हाँ, फिर अब ये हमारा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है और कॉपीराइट भी रजिस्टर्ड है। तो हमने दिल्ली कोर्ट पे केस दायर किया था, जिसमें से जज साहब के द्वारा लोकल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। लोकल कमिश्नर का नाम है अंकिता खन्ना मैम, जो यहाँ पास आके चेक की और उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती जुलती है। जी, तो मतलब आप लोगों का कहना है कि टोटल जो फॉन्ट हैं वो भी आपके जैसे ही फॉन्ट भी है, कलर कॉम्बिनेशन भी मिलजुल रहा है और प्रेजेंटेशन स्टाइल भी पूरा मैचिंग बीच में है। जी, तो सुपर पॉलीमर के मालिक मोहम्मद अनस साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी कंपनी के ऊपर इन्होंने ये इंजाम लगाया है कि आपने इनकी जो पैकेजिंग है उस स्टाइल को आपने चुराया है, क्या कहना है आपका? नहीं सर, ये मैंने नहीं चुराया है। आप इनकी पैकेजिंग और मेरी पैकेजिंग को कंपेयर कर सकते हैं। और रही बात इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है तो अपन कोर्ट कार्रवाई में देखेंगे सर। मेरे फादर अभी बाहर गए हुए हैं, वो आ जाते हैं, उसके बाद हम भी कोर्ट कार्रवाई में देखेंगे सर। अच्छा, जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम से चलेंगे जी। ऐसा तो अब इन्होंने यहाँ पर ये रेड मारी है, इससे कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता पर तो बात तो आ पड़ी ना? नहीं सर, ये तो कोर्ट के अंदर पता पड़ जाएगा ना सर, अगर हम गलत होंगे तो जो जजमेंट होगा भाई, बेसिक अगर अपीयरेंस में देखा जाए, क्योंकि हमने उनका भी देखा और आपका भी ये स्टिकर हमने देखा, तो बेसिक अपीयरेंस तो सेम ही है लमसम। नहीं सर, बेसिक अपीयरेंस कह सकते हो आप सेम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने चोरी करा है या हमने उनको कॉपी करा है। ना तो मैंने रजिस्टर्ड मार्क लगवाया, पहले कभी आपको इस संदर्भ में कोई नोटिस वगैरह कुछ मिला? नहीं सर, आज सीधी कार्रवाई हुई। ये अचानक आए और गेट कूद के आए अंदर। अच्छा, बिल्कुल है ना, पता नहीं कौन से रूल्स फॉलो करके आए। साथ में इनके साथ में तो मौजूद पुलिस कर्मी भी मौजूद है, ये मुझे कॉल कर सकते थे। चलो ठीक है ना, इस बात पे अपन कोर्ट में बात करेंगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी सर, आपके इन्होंने आपके ऊपर इंजाम लगाया कि आप लोग प्रीमाइसेस में कूद कर आ गए? बिल्कुल, अभी इनके द्वारा ये चीज़ बोली गई कि हमें किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जी, ये इस चीज़ का प्रूफ है, आप इस चीज़ का प्रूफ भी ले सकते हैं। ये थोड़ा लीगल इसको बड़ा करें, ये इस चीज़ का प्रूफ है जो इनको इंटीमेशन दिया गया था और लीगल नोटिस भी हमारे साइड से सेंड की गई थी। और रिसेंटली हम लोग जब यहाँ पास पहुँचे ना, तो हमारे पास तो देखिए जो ऑर्डर है वो कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें लॉक भी ब्रेक करने का ऑर्डर है। हमने आधे घंटे प्रमाइसिस के बाहर वेट किया, बट कोई भी गेट खोलने के लिए रेडी नहीं था, जबकि एक बंदा आया और वो पूछ के भी गया और देख के भी गया, फिर भी इन्होंने गेट नहीं खोला। तो हमें वो फिर प्रोसेस, हमें अपनी प्रोसेस फॉलो करवाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा जी। और जो इनके द्वारा ये चीज़ बोली गई कि हमें एंटीमेशन नहीं दिया गया, ये इस चीज़ का प्रूफ है। आप इस चीज़ का प्रूफ भी देख सकते हैं, ये लीगल नोटिस है जो हमने इनको सेंड किया था और हमने इनको फोनेटिक भी ये चीज़ बोली। अच्छा, हुई आपकी कंपनी कितने समय से कार्यरत है? हमारी कंपनी समथिंग 1986 से। अच्छा, यस। और इस तरह की ये कितने ऑन एन एवरेज साल में कितने मसले ऐसे आते हैं आज आपको कॉपीराइट का केस करना? कॉपीराइट के केसेस तो बहुत सारे चलते हैं, आप कमर्शियल कोर्ट पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कॉपी करते हैं, जिसमें हमें सूट फाइल करना पड़ता है जी। जी,
उदयपुर में ये पहला मसला है? नहीं, उदयपुर में इससे पहले भी एक स्टार ब्रेड के नाम से कॉपी कर रहे थे, जो रॉयल ब्रेड का नाम कॉपी कर रहे थे, उनके ऊपर भी रेड हो चुकी है। जी जी, तो उदयपुर में भी इस तरह की दूसरी रेड का मामला सामने आया है। अब आपको तय करना है कि किस तरह से लोगों को, ग्राहकों को भ्रमित यहाँ पर किया जा रहा है। सेम पैकेजिंग स्टाइल पर कंपनी का एड्रेस कहीं और, माल कुछ और पैकेजिंग स्टाइल वही, तो ये धोखा है। गुनाह करने वालों के लिए मौका हो सकता है, बाकी आम जनता के लिए ये धोखा है। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।